Exercise 8.1. First, choose the correct unit of measurement, meter or centimeter to measure the following. हमको अगर एक leaf को measure करना है, ठीक है? तो ये किस में measure होगी? Centimeter में, okay? और एक car है मेरे पास, उसको measure करना है, तो ये किस में measure होगी? Meter में, okay? Write the length of each of the following pictures. आपको क्या करना है? इसकी लेंथ जो है ये पिक्चर की ये मेजर करना है. आप स्केल लीजिएगा और आप इससे मेजर कीजिएगा इसकी लेंथ, और जो भी आएगी वो आप यहाँ पे राइट डाउन कीजिएगा. इसी प्रकार ये वाला भी कीजिएगा. थर्ड, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट. आपको यहाँ कुछ लाइन सेगमेंट्स दी हुई है, आपको ये लाइन सेगमेंट्स को भी स्केल से मेजर करना है और आपको लेंथ लिखना है. जैसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है? इसी प्रकार आपको ये तीनों भी करना है. ओके, कन्वर्जन ऑफ मीटर्स इनटू सेंटीमीटर. अब हम कन्वर्जन देखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, राजेश सोल्ड 2 मीटर क्लॉथ टू मेक अ कुर्ता. राजेश ने कुर्ता बनाने के लिए 2 मीटर कुर्ता जो है वो बेचा. हाउ मैनी सेंटीमीटर्स डिड ही सेल. तो उसने कितने सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो बेचा. तो लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितनी है? 2 मीटर, ठीक है? 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 × 2. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है? देयरफॉर 2 मीटर है, तो 2 × 100, ठीक है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 100 से, तो कितने सेंटीमीटर हो गया? 200 सेंटीमीटर. जब भी हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, टू कन्वर्ट अ मेजरमेंट दैट इज मीटर्स इनटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इट बाय 100. जब भी हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपको कुछ कन्वर्ट करके बताए गए हैं. लेट अस कन्वर्ट सम मेजरमेंट्स गिवन इन मीटर्स इनटू सेंटीमीटर. देखो 3 को हमको 3 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 300 सेंटीमीटर हो गया. ऐसे ही 11 का भी किया है, 4 मीटर 25 सेंटीमीटर का भी किया है, ठीक है? ओनली यहाँ पर देखो 25 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है, तो 4 को ही करेंगे 25, वैसा के वैसा आ जाएगा. इसको प्लस करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है? 25 को नहीं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इसको यहाँ पे 4 मीटर है, तो 4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25, ओके? तो ये हो गया 425 सेंटीमीटर, ओके? इसी प्रकार ये भी किया हुआ है. एक्सरसाइज 8.2. फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको बॉक्स में आंसर दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके करेक्ट आंसर यहाँ से फिल करना है. 7 मीटर, अब 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 700 सेंटीमीटर, ओके? 22 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2200 सेंटीमीटर, ओके? 12 मीटर, तो 12 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 1200 सेंटीमीटर, ओके? 10 मीटर, 10 मीटर 10 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 सेंटीमीटर. 15 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1500 सेंटीमीटर. 9 मीटर इसको 100 से करेंगे तो 900 सेंटीमीटर. 16 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो 16 को हम ओनली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मीटर में है, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, तो 16 × 100 + 2 1602. देखो यहाँ पे आंसर है धीरा, ओके? ऐसे ही इसे भी करेंगे, ठीक है? तो 37 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 30 करेंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 3730, ठीक?
सेंटीमीटर, 20 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2015 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजरमेंट गिवन इन मीटर इनटू सेंटीमीटर्स। अब हमें ये कन्वर्जन करना है, 18 मीटर तो 18 इनटू 100 तो 1800 सेंटीमीटर। ओके, 13 मीटर तो 13 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1300 ओके सेंटीमीटर। ऐसे 25 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 सेंटीमीटर। ओके, इसी प्रकार ये आप कीजिएगा। थैंक यू।